सन 630 में खंदक की लड़ाई और एक तरीके से वो उनके लिए आखिरी युद्ध साबित हुआ। मक्का मदीना पर उनका कुछ अच्छा नियंत्रण हो चुका था, विरोध भी कम हो गया था, लेकिन दुर्भाग्य से इसके मात्र 2 वर्ष के अंदर मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु की तारीख है 8 जून 632 ईस्वी 8 जून 632 ईस्वी। उनकी मृत्यु जब हुई उसके बाद उनके जो अनुयायी थे, उनके जो फॉलोअर्स थे, उनमें एक तरीके से फिर से वही बातें शुरू हो गई, वही घटनाक्रम शुरू हो गया जो प्रारंभ में था, अर्थात विरोध, और विभिन्न तरह के गुट बनने लगे। कबीलाई एकता कुछ हद तक तो बनी थी कुछ कबीलों में, लेकिन अब अनुयायियों के अंदर ही एक तरीके से विरोध शुरू हो गया, मतभेद उत्पन्न हो गए और उनके विचारों की अलग अलग तरीके से व्याख्या भी की जाने लगी। बहुत से तो मुसलमानों का मानना था कि पैगंबर मोहम्मद ने अपना उत्तराधिकारी नहीं चुना है, कोई उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नहीं बताया है, और इसलिए मुसलमानों ने एक नया, एक तरीके से नया पद बनाया जिसे उन्होंने खलीफा कहा। खलीफा, खलीफा का अर्थ होता है धर्म प्रमुख। इस समय कम से कम खलीफा का अर्थ तो धर्म से लेकर था और उसे उन्होंने धर्म प्रमुख का नाम दिया। मोहम्मद पैगंबर के काल के इतिहास को जानने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा तेजी से कि खलीफाओं का शासनकाल और उसका विस्तार कैसे हुआ। खलीफाओं का शासनकाल और उनका विस्तार, आपको मैंने पूर्व में नक्शे में बताया था कि अरब पेनिनसुला या प्रायद्वीप, उसके आसपास 3 समुद्र और उन समुद्र के दूसरी ओर कौन कौन से क्षेत्र, आपको याद होगा उत्तर में सीरिया था, सीरिया है, फिर इराक, ईरान, और दक्षिण में, दक्षिण पश्चिम में मिस्र का जिक्र हुआ था। साथ ही 2 साम्राज्यों की भी बात हुई थी, एक रोमन साम्राज्य जिसे बाइजेंटाइन और दूसरा ससानी साम्राज्य या ईरान का साम्राज्य मान, इसको आप फिर से अपने मानस पटल पर लाएं और घटनाक्रम में ये स्थान पुनः वापस आते हैं। अब जब खलीफा के चयन की बात हुई तो उनकी मृत्यु के पश्चात 632-34 में अबू बकर, ये नाम आपने सुना होगा, जो उनके प्रारंभिक दल का, पैगंबर मोहम्मद के प्रारंभिक दल का एक सदस्य था, उसे खलीफा चुना गया, उसे धर्म प्रमुख बनाया गया। इस काल में सीरिया और उसके बाद इराक पर विजय पाई गई। विजय का अर्थ होता है धर्म के नाम पर, धर्म विस्तार को लेकर जो अल्लाह के शब्दों को, अल्लाह की वाणी को दूसरे क्षेत्रों में पहुंचाने का जो आदेश पैगंबर को मिला था, उस आदेश के तहत इन क्षेत्रों पर विजय पाई गई और इस प्रकार अरब, सीरिया और अब इराक, इराक काफ़ी बड़ा क्षेत्र है अपने स्वयं में, ये क्षेत्र एक तरीके से मुसलमानों के कब्जे में आया। खलीफा अबू बकर ने अपने इस अभियान के दौरान कई विद्रोह भी दबाए और एक तरीके से एक सफल खलीफा अपने बहुत छोटे शासनकाल में साबित हुआ। यद्यपि ये बात तय है कि ये उसी के काल में जो विभिन्न कबीले थे वो भी टूटने का प्रयास कर रहे थे, अलग होने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अबू बकर अपने दम पर, अपने बल पर और अपनी एक छोटी सी सेना के बल पर इन सब कबीलों को इकट्ठा रखने में कुछ हद तक सफल हुआ और साथ ही ये 2 विजय उसके काल की हैं। 634 से 644 में नए खलीफा आए। अबू बकर का काल हम देख सकते हैं मात्र 2 वर्ष का, लेकिन बड़ा साहसिक काल था क्योंकि उसके
मातहत ये जिम्मेदारी थी कि पैगंबर मोहम्मद के द्वारा छोड़ी गई जो लेगेसी है उसको आगे बढ़ाना, उसको आगे जारी रखना। सन 634 से 644 अबू बकर ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और उस उत्तराधिकारी का नाम था उमर। तो इस प्रकार हम देखते हैं पैगंबर मोहम्मद, जिन्होंने कोई उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं की थी, ऐसा उनके समुदाय का मानना था, और अबू बकर को पहला खलीफा बनाया गया। अब अबू बकर ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया उमर को, जिसका काल 634 से 644 है। उमर जो है 10 साल के अपने शासनकाल में उसने अपनी प्रतिभा का, अपनी योग्यता का भरपूर उपयोग किया और वो था भी बहुत योग्यवान और प्रतिभाशाली। उसने अब सीरिया और इराक के बाद अपना कदम बढ़ाया ईरान की ओर और ईरान पर कब्जा किया। उसके बाद नीचे पश्चिम दक्षिण में उसने मिस्र त्रिपोली पर कब्जा किया और इस तरह अरब पेनिनसुला के चारों ओर लगभग, मात्र केवल एकदम पूर्वोत्तर को छोड़ दें तो या पश्चिमोत्तर को छोड़ दें पूरा, तो लगभग चारों ओर इनका एक तरीके से क्षेत्र फैल चुका था। खलीफा उमर, इसका शासनकाल पहली बात इसलिए बहुत स्मरणीय है, बहुत यादगार है कि इन्होंने इतने बड़े बड़े क्षेत्रों पर इस्लाम के विस्तार के लिए विजय कर। दूसरा, वास्तविक संस्थापक इन्हीं को कहा जाता है। यदि हम अपने, आप लोगों ने भारतीय इतिहास पढ़ा होगा तो भारतीय इतिहास में बात होती है कि सल्तनत काल में वास्तविक संस्थापक कौन था, या मुस्लिम का मुगल काल में वास्तविक संस्थापक कौन था। वास्तविक का अर्थ ये होता है कि जो स्थापना करते हैं किसी न किसी कारण से मात्र बहुत कम वर्षों में उनका स्वर्गवास हो गया, चाहे वो बाबर हो, चाहे वो सल्तनत काल में हो, और उसके बाद जो शासक आया उन्होंने थोड़ा अपने लंबे काल में कुछ ऐसी कार्रवाई की या ऐसी शैली अपनाई जिससे साम्राज्य को वास्तव में एक स्थायी नींव मिली। वही बात यहाँ पर भी है कि अबू बकर मात्र 2 वर्ष शासन किया या 2 वर्ष के लिए खलीफा रहे, तो ऐसा उन्होंने कुछ मजबूती नहीं दे पाई अपने साम्राज्य को जो बाद में उमर ने, और उमर का यही बहुत बड़ा योगदान है और इसी योगदान के लिए उसे वास्तविक संस्थापक कहते हैं। उसने अपनी सारी विजयों में विस्तारवादी, चारों तरफ फैलाना, अपने साम्राज्य को चारों तरफ फैलाने के लिए उसने उसका विस्तारवादी नीति का उपयोग किया और साथ ही अपना साम्राज्य केवल व्यापार और करों से ही नहीं चलाया। ये एक इसकी एक बिंदु देखेंगे। आपको याद होगा कि जब हमने चर्चा की थी कि पैगंबर मोहम्मद के सिद्धांतों में 2 सिद्धांत बहुत अहम थे, एक था दूसरों की सेवा करना और दूसरा चोरी चपाटी नहीं करना। यहाँ पर आप देखेंगे कि उमर, उसने अपनी विस्तारवादी नीति के तहत व्यापार के जरिए या अपनी आय बढ़ाने के लिए केवल व्यापार और करों पर ही निर्भर नहीं हुआ, उसने अपने इस अभियान के लिए लूट को एक बहुत बड़ा जरिया बनाया। भारी मात्रा में उसने लूट के माध्यम से राशि इकट्ठी की, जिसे उस लूट से इकट्ठी की गई राशि को उनकी भाषा में गनीमा कहते हैं। गनीमा, लूट से इकट्ठी की गई राशि। और ये राशि की जरूरत क्यों थी? सैनिकों के लिए जो आवश्यक धन की जरूरत पड़ती थी उसके लिए ये लूट का पैसा उपयोग किया जाता था। अब सैनिकों की आवश्यकता क्यों पड़ती थी? आपने देखा कि किस प्रकार अबू बकर ने सीरिया पर कब्जा किया और उसके बाद इसने ईरान और त्रिपोली आदि पर कब्जा किया, तो ये सब सैनिक अभियानों के लिए और साथ ही विभिन्न कबीलाई विद्रोहों को दबाने के लिए
सतत रूप से सैनिकों की आवश्यकता थी और इसलिए ये पैसा लूट से गनीमत से आता था। उसके अलावा उमर ने जो उसका तीसरा योगदान है कि उसने सभी कबीलों को काफ़ी शक्तिशाली भी बनाने की कोशिश की, काफ़ी ताकतवर मजबूत बनाने की कोशिश की और उस हद तक उसने आर्थिक सहायता दी। उसका कारण क्या था? उसका कारण था पश्चिम में, मैंने बाइजेंटाइन एम्पायर का जिक्र किया है, रोमन एम्पायर का जिक्र किया है, और पूर्व में मैंने ससनिद एम्पायर, ईरान के एम्पायर का जिक्र किया। इन लोगों से सतत लड़ाई के लिए कबीलाई ताकत बहुत महत्वपूर्ण थी और उमर को पता था कि कबीलों की कमजोरी का फ़ायदा ये दूसरे साम्राज्य उठाकर कहीं हमला ना कर बैठें, और इस प्रकार उनके द्वारा जो नए नए धर्म का विस्तार करने का प्रयास किया जा रहा है उस पर चोट न पहुंचे। अपनी विस्तारवादी नीति के तहत उमर ने भी कुछ नए क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की और अबू बकर के द्वारा विजयी सीरिया और इराक के बाद अब उमर ईरान, त्रिपोली, इजिप्ट, इस पर कब्जा करते हैं, इस पर विजय प्राप्त करते हैं और इस प्रकार इस्लाम धर्म के विस्तार में उनका बहुत अहम योगदान है। आप देखेंगे जो पेनिनसुला है, पेनिनसुला के चारों तरफ केवल हम बल्कि तीन तरफ एक तरीके से इस्लाम फैल चुका था। 10 वर्ष के इनके शासनकाल के कारण ही, इस तरह के शासनकाल के कारण ही इन्हें वास्तविक संस्थापक कहते हैं। उमर ने तो जहां व्यापार और कर से प्राप्त आय में काफ़ी वार्धक्य किया, लेकिन मात्र उससे वो संतुष्ट नहीं था, क्योंकि उसे अपने सैनिक अभियानों के लिए, उसे कबीलों की शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता थी। सैनिक शक्ति बढ़ाना क्यों? क्योंकि उसे और अभियान करने की मंशा थी। उसे मालूम था कि खुद की सैनिक ताकत उसे वो मजबूती दे सकती है जो तत्कालीन समय में ज़रूरत थी। और जहाँ तक कबीलाई शक्ति की बात है, वह इसलिए आवश्यक था क्योंकि उसके आसपास, आपने जैसा मैंने पहले बताया, एक और बाइजेंटाइन साम्राज्य और दूसरी ओर ससानिद साम्राज्य, और दोनों ही साम्राज्य के धर्म अलग अलग थे। बाइजेंटाइन जहाँ क्रिश्चियन धर्म से संबंधित था, वहीं ससानी साम्राज्य जो था, जहाँ पे जरथूस्त्र धर्म का समर्थक था, उसका संरक्षण था। जरथूस्त्र में एक तरीके से आप देख सकते हैं जूडाइज्म या यहूदी, इन लोगों का पुट। तो इसके समर्थकों के जो मान्य देवता थे वे ईरानी धर्म के थे अपने अलग, और दूसरी तरफ बाइजेंटाइन, जैसा मैंने बताया, बाइजेंटाइन में ईसाई धर्म का बोलबाला था, वे लोग ईसाई धर्म को बढ़ावा दे रहे थे। ये दोनों साम्राज्य स्वयं अपने अंदरूनी विद्रोहों में उलझे हुए थे, लेकिन साथ ही साथ उनके सामने ये नया बढ़ता संघर्ष भी था अरबों के साथ। ये दोनों साम्राज्यों में धार्मिक संघर्ष और विद्रोह सतत रूप से होने का परिणाम ये हुआ कि इन दोनों साम्राज्यों की स्वयं की शक्ति कम होने लगी, उसकी ताकत में कमी आने लगी। अंदरूनी घटनाक्रम ने इन्हें कमज़ोर कर दिया। तो 637 से 642 यानी उमर के काल में ही इसका फ़ायदा उठाते हुए अरब लोगों ने ईरान, इराक और सीरिया आदि को तो पहले ही ले लिया था, मदीना भी उनके क्षेत्र में था, तो एक काफ़ी विस्तृत क्षेत्र आ गया था। पैगंबर साहब की मृत्यु के पश्चात तो अरबों ने इस्लाम को नील नदी तक पहुंचाया और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो इजिप्ट में है, जिसे मिस्र भी कहते हैं, वहाँ तक अब इस्लाम का विस्तार हो चुका था। आज भी ये क्षेत्र वैसे मुस्लिम शासन में आते हैं और आज तो बहुत विस्तृत क्षेत्र विश्व का इस्लाम धर्म का अनुयायी है। जितने भी खलीफा हुए
जिन्हें हम धर्म प्रमुख कहते हैं, इसको इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए आवश्यक था कि एक तरीके की एक कुछ राजनीतिक व्यवस्था हो, तो उन्हें अपने राजनीतिक हितों को भी साधना था। और इतने विस्तृत क्षेत्र को संचालित करने के लिए जिसका मुखिया मात्र एक खलीफा है, राजा नहीं, ये आवश्यक हो गया था कि कोई सी ऐसी राजनीतिक या एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कुछ ऐसा हो जो व्यवस्थित हो। और उसके तहत एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया और वह था राज्यों को, राज्य को या देश को या अपने साम्राज्य को प्रांतों में बांटना। उसका प्रांतीकरण किया गया, विभिन्न प्रांत बनाए गए और उन प्रांतों के मुखिया को गवर्नर कहा गया। गवर्नर की नियुक्ति इसी काल में होती है, उमर के काल में, क्योंकि अंपायर बहुत विस्तृत हो चुका था। ये गवर्नर उनकी भाषा में अमीर कहलाते थे। क्या कहलाते थे? अमीर। कबीलों में भी अमीर ही अध्यक्ष होते थे। आपको याद होगा कि पूर्व में हमने बताया था शेख और अमीर, ये दो शब्द आपको मालूम होंगे। तो यहाँ भी अमीर ही अध्यक्ष होते थे और मुखिया को अशरफ कहते थे। इन लोगों के जरिए अब ये जो पैसा आना शुरू हुआ और राजकोष में लूट व करों से धन एकत्रित किया जाने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आने लगा। और ये सब के पीछे, इस पूरी राजनीतिक व्यवस्था के पीछे दो बातें थीं। पहला, अधिक से अधिक धन की प्राप्ति ताकि विस्तार की योजना में बाधा ना आए, और दूसरा सैनिकों की ताकत बढ़ाना। ये खलीफा जो थे, इन्होंने सैनिक शिविरों में अपने सैनिक रखे थे। आपको पहले भी बताया गया कि किस प्रकार कुछ क्षेत्रों का चयन किया गया था जहां खानाबदोश सैनिक याजावर प्रवृत्ति के जो थे उन्हें रखा जाता था। एक तरीके से उनकी पूरी देखभाल की जाती थी और ये सुनिश्चित किया गया कि ये सैनिक जो हैं, इनके शिविर ऐसी जगह बनाए जाएं जिससे कि उनको अपने वातावरण के साथ ज़्यादा संघर्ष ना करना पड़े। आने वाले समय में खलीफा ने भी सभी सैनिकों को रेगिस्तान के किनारे शिविरों में, यानि समुद्री तटों के किनारे किनारे उन्होंने शिविर लगाए और उन शिविरों में इन सैनिक को रखा। उसका एक कारण ये भी था कि वो सीमांत क्षेत्र थे और सीमांत क्षेत्रों में पड़ोसी साम्राज्यों से खतरा ज़्यादा था। ये अरबी कबीले राजनीतिक विस्तार और एकता के मार्ग में बाधक साबित हो रहे थे, इसलिए कि ये कबीले अभी भी स्वयं क्षेत्रीय भावनाओं के साथ बढ़ रहे थे और उनका वार्धक्य भी वैसा ही हुआ कि वे क्षेत्रीय सोच में ज़्यादा थे और इसलिए बारंबार इन कबीलों के बीच में संघर्ष की बात आती थी। इस मार्ग में, राजनीतिक एकीकरण, सत्ता के एकीकरण के मार्ग में, विस्तार के मार्ग में सुगमता से इन कबीलों ने कार्य पूरा नहीं किया। और इसके साथ ही अब ये जो नए नए पद आने लगे, प्रांत बना, प्रांत के साथ गवर्नर का पद आया जिसे अमीर भी कहते हैं, उसके बाद और नीचे जो विभिन्न पद आए उसके लिए भी इनके बीच में झगड़ा होने लगा था। तो ये वो बिंदु है जिस पर हम आपका ध्यान इस ओर खींचना चाह रहे हैं कि एक ओर जहाँ खलीफा साम्राज्य के विस्तार के लिए प्रयासरत था और जहाँ पड़ोसी साम्राज्यों के अंदरूनी झगड़े उन्हें कमज़ोर कर बैठे थे, इस मौके का फ़ायदा भुनाने के बजाय ऐसा देखा गया कि कबीलों के बीच में ही अंदरूनी झगड़े होने लगे थे और ये कार्य बड़ा कोई सुगम नहीं था। ऐसी स्थितियों में और इन क्षेत्रों पर कब्जा करने के बाद जिनका नाम लिया गया है और एक तरीके से कुछ राजनीतिक ढांचा बनाने के बाद सन 644 में उमर की मृत्यु हो जाती है जो खलीफा थे, और उसके बाद अगले खलीफा के रूप में उस्मान आए। तो अबू बकर, फिर उमर और उस्मान का कार्यकाल
भी लगभग उतना ही रहा, 644 से 656 ईस्वी, 12 वर्ष का काल। उस्मान के कार्यकाल में ये बात आपको ख्याल रखनी होगी कि उस्मान जो है ये उस कबीलाई गुट का थे, के खलीफ के व्यक्ति थे जिस कबीले से पैगंबर मोहम्मद आते थे। आपको याद है कि कौन से कबीले के थे पैगंबर मोहम्मद? कुरैश। कुरैश कबीले से पैगंबर मोहम्मद के बाद अब यहाँ उस्मान खलीफा बनते हैं 656 में, और ये तीसरे खलीफा थे 644 में, और तीसरे खलीफा थे। कुरैश ट्राइब के होने के बाद ये आपको ध्यान रखना होगा कि ये ऐसे पहले खलीफा थे जो वास्तव में बहुत धन एकत्रित करने में सफल हुए। धन का भंडार इनके काल में हुआ, काफ़ी धन उन्होंने इकट्ठा किया, और उसके कुछ कारण भी थे कि इन्होंने अपनी कुछ नीतियां बदली। उदाहरण के लिए लोगों के द्वारा दिए जाने वाले पेश, लोगों के द्वारा दिए जाने वाले उपहार भेंट को ये स्वीकार करते थे, परिणाम ये खजाना राजकोष बढ़ता गया। और साथ ही जो सत्ता व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था उमर ने स्थापित की थी प्रांतों में और उसके नीचे, उसने अब परिणाम दिखाने शुरू किए थे और धन संग्रह वहाँ से भी बढ़ने लगा था। प्रशासन की बात करें तो ये जो पेशकश और स्वीकार करना आदि था, इसके अलावा एक बुराई और उसमें आ गई थी समाज में, वो थी कि भाई भतीजावाद पनपने लगा था, ऐसा आरोप खलीफा पे लगाया जाने लगा। लोगों की सोच थी कि खलीफा उस्मान अपने ही कबीले के लोगों को, अपने ही समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं, और इस प्रकार भाई भतीजेवाद का आरोप और गिफ्ट, पुरस्कार, भेंट आदि स्वीकार करने का आरोप इन पर लगातार लगते रहा। परिणाम क्या हुआ कि जो लोग उनके इस रवैये पर प्रश्न उठाने लगे वे निश्चित रूप से इनके विरोधी हो गए। ये सब को देखते हुए यदि मुखिया खलीफा यदि स्वयं इसमें लिप्त पाए जा रहे हैं तो नीचे के तबकों में भी इस बात की गुंजाइश थी कि भाई भतीजावाद और इस तरह का भ्रष्टाचार, भेंट के लेन देन आदि का ये बढ़ेगा, तो पूरा प्रशासन ही बदनाम हो चुका था। तत्कालीन जो शासन था वही बदनाम हो गया था, लोग भड़क गए थे, लोग नाराज़ हो गए थे, और ख़ासकर मिस्र और इराक, यहाँ के लोगों ने उनका अच्छा खासा विरोध किया। और तो और, खलीफा उस्मान की इस शासन शैली को लेकर मदीना में भी लोग नाराज हो चले, लोग विद्रोह करने लगे, लोग असंतोष जताने लगे, और इस असंतोष का परिणाम क्या हुआ कि उनकी हत्या कर दी गई। तो इस प्रकार खलीफा उस्मान पहले ऐसे खलीफा जिनकी हत्या की गई, और 656 में नए खलीफा ने गद्दी संभाली। अब ये नए खलीफा कौन थे? पैगंबर मोहम्मद की एक पुत्री थी, उनके कई पुत्र थे पर दुर्भाग्य से सब बहुत छोटी उम्र में ही खत्म हो गए थे, पर एक पुत्री थी फातिमा। फातिमा का विवाह अली नाम के एक व्यक्ति से हुआ था। यही अली अब चौथे खलीफा के रूप में गद्दी संभालते हैं। तो इस प्रकार चौथे खलीफा अली पैगंबर हजरत मोहम्मद के दामाद थे, और इनका काल है 656 से लेकर 661, 656 से 661, मात्र 5 वर्ष का, लेकिन चौथे खलीफा। अब ये इसमें भी एक तरीके से भाई भतीजावाद की एक बू आ रही थी कि पैगंबर के परिवार के लोगों को ही आगे बढ़ाया जा रहा है, तो ये मामला विरोध और विद्रोह बढ़ने लगा।
अन्य जो मुसलमान थे उनके लिए ये असहनीय होने लगा और इस प्रकार दरार आनी शुरू हो गई। मुस्लिम वर्ग में ही एक तरीके से दरार आनी शुरू हो गई और इस्लाम के स्वयं के दो संप्रदाय बन गए। अब इस्लाम विभाजित हो चला, विभाजन इस्लाम के अंदर ही दो अलग अलग विचारधारा को लेकर, पहला कहलाया शिया और दूसरा कहलाया सुन्नी। शिया और सुन्नी ये अली के बाद दो गुट में बट गए और इन दो गुटों के बीच ही गृह युद्ध का माहौल बन गया। गृह युद्ध अर्थात क्या है? घर के अंदर ही युद्ध, और घर के अंदर ही युद्ध मतलब एक ही संप्रदाय, एक ही धर्म के लोगों के बीच में, एक ही देश के लोगों के बीच में जब लड़ाई होती है अंदरूनी दो वर्गों में, एक ही देश के अंदर या एक ही धर्म समाज के अंदर, तो वह गृह युद्ध कहलाता है। यहाँ भी वही गृह युद्ध की स्थिति हो गई और अली जो हैं अब मक्का मदीना छोड़कर कूफा चले गए, वहाँ रहने लगे। अली को एक युद्ध में संधि भी करनी पड़ी और उसके परिणाम क्या हुआ कि संधि के कारण अली की जो स्वयं की खलीफा के नाते जो उनकी प्रसिद्ध रेपुटेशन थी उस पर चोट पहुंची। इनका सिफिल मेसोपोटामिया में हुआ युद्ध और उसमें उन्हें संधि हुई। अली के जो खुद के अनुयायी थे वो भी दो भागों में बट गया। पहले तो पहला वर्ग तो उनके जो अनुयायी थे और दूसरा वर्ग वो जो उनके विरोधी बन गए। यानी एक ओर इस काल में हम देखते हैं कि मुसलमान समाज ही दो संप्रदायों में बट गया, शिया और सुन्नी, और उसके अलावा अली के जो अनुयायी थे, फॉलोअर थे, उनमें भी एक तरीके से विभाजन हुआ और उसका परिणाम क्या हुआ कि एक गुट उनके पक्ष में और दूसरा उनका विरोध सतत रूप से करता रहा। जो विरोध करते थे वो विरोधी खर्जी कहलाए, खर्जी यानि चौथे खलीफा अली के विरोधी, खर्जी यानि चौथे खलीफा अली के विरोधी। जो अली थे खलीफा वो सतत विद्रोह विरोध के कारण कूफा चले गए थे और कूफा की मस्जिद में ही किसी ने अली की भी हत्या कर दी। तो इस प्रकार तीसरे खलीफा और चौथे खलीफा हत्या का शिकार हुए और अली का काल समाप्त होता है 661 AD में।